ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाहर जो भी बात है वो कहीं आवाज ना करे, अंदर बैठ जाइए नहीं तो चले जाइए, आवाज ना करे। सो यशोदा मैया अपने बालक कर्ण का संतुष्ट के लिए 3 सालों से इंतजार कर रहे थे कि कब मुझे डायरेक्ट मौका मिलेगा ताकि मैं भगवान की पर्सनली सेवा करूंगी। तो इस तरह इनका 3 सालों से दिन प्रतिदिन उत्कंठा बढ़ते जा रहा था। क्या बढ़ रहा था? किसके लिए? भगवान को डायरेक्टली सेवा करने के लिए, भगवान का प्रसन्नता के लिए सेवा करने के लिए। क्योंकि इनको उनके मन में ये भाव आ रहा था कि इतने सारे कंप्लेंट्स, 3 साल का बालक इतना कंप्लेंट्स, तो निस्तर पे किसी के घर पर जाकर चोरी करते हैं। तो चोरी करने का एक ही कारण है, इधर उनको जो चाहिए हम दे नहीं पा रहे। तो वात्सल्य स्नेह होने की वजह से माता यशोदा ऐसे सोच रही थी। वात्सल्य स्नेह भगवान का सारे ऐश्वर्य को ढंग देता है, भगवान का कोई ऐश्वर्य दिखाई नहीं पड़ता है वात्सल्य स्नेह जो करते हैं, भगवान के साथ वात्सल्य स्नेह में जुड़ने से जुड़ते हैं। सो 3 सालों से इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जिस दिन सारे दासियों को भेजकर मैं अकेली पर्सनली मक्खन निकालूंगी और उस मक्खन को कृष्ण को खिलाऊं ताकि किसी घर पर जाकर चोरी नहीं करे। हम अदर टाइम डिस्कशन किए थे कि कैसे वैरायटी सब गोपियां, आवाज मत करिए, वैरायटी सब गोपियां आते थे केवल कृष्ण को इन्फॉर्म करने के लिए, तुम आओ हमारे घर पे चोरी करो। लेकिन चोरी करते थे तो क्या करते थे, माता यशोदा के पास जाकर लांछन लगा देते, कंप्लेंट कर लेते कि तुम्हारा बेटा चोर है, चोरी करता है, चोरी तो करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चोरी करते वक्त पकड़ा गया तो हमारे हमें बहुत ह्यूमिलिएट कर देता है, और सपोज से चोरी करने के लिए कुछ मिला नहीं तो हमारे बच्चे सोए हुए बच्चे को जगा देते चिमटे लगा के, और सपोज ये सब करने के बाद कुछ नहीं मिलता है तो कभी कभी सुसुर। सो इस तरीके लीलाएं सुन के मैं यशोदा अपने बेटा को जितना स्नेह करते थे उतना ही दुखी होते थे कि मैं ढंग से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, इसके वजह से ये कहीं और जाकर चोरी कर रहे हैं। लेकिन मैया यशोदा कभी भी कृष्ण को तुम सच में चोरी कर रहे करके काना करके शासन नहीं कर पाते थे, इतना अफ्लिक्शन था। तो जैसे ही कृष्ण को चेहरे में देख के डांटने के लिए सोचते है काना तुम चोरी किया, बोलते जा रहे थे इनके चेहरे पर देखते तो बोलेंगे ना, तो चेहरे पर जैसे देख लेते थे इनका हृदय बदल जाता। फिर क्या कहते थे, तुम जितने सारे गोपियां आते हैं बिल्कुल झूठ बोलते हो। कान्हा उस समय मामा का मामी का जो साड़ी को पकड़ते हुए इनके गोद में चढ़ जाते थे, गले चिपक जाते थे, गले मिल लेते थे, तो मैया यशोदा सब कुछ भूल जाते थे कंप्लीटली फ्लैट।
सो इट्स अ ट्रांसेंडेंटल फ्लैटरी मैं यशोदा भी बच नहीं पा रहे थे तो कभी कभी नंद महाराज को कंप्लेन करते नंद महाराज भी सही फ्लैट हो जाते थे वो कहते थे हो ही नहीं सकता है कहना हमारे कभी ऐसे बदमाशी करेंगे असंभव तो मैया के मन में हृदय में रहता था कि खाना को मैं सही मक्खन दे नहीं पा रहा हूँ सही सेवा नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए बहुत दिन के बाद आज दीपावली है दीपावली के दिन को चुना दीपावली के दिन क्या किया सारे दासियों को भेज दिया नंद महाराज को भेज दिया सबको भेज दिया खुद पर्सनली बैठ के स्नेहपूर्वक सेवा करने के लिए दधि मंथन मंथन किए जबकि रानी है यूजली अर्ली मॉर्निंग नहीं उठती थी खाना को भी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठाता था उसी दिन बहुत अर्ली मॉर्निंग उठे अकेले रहते हुए और यूजली दधि मंथन घर के अंदर होता था आंगन में नहीं होता था उस दिन क्या हुआ आंगन ऐसा एक जगह था जहाँ पे कान्हा जिस बेडरूम में सोए है और जहाँ किचन है चूल्हा जहाँ पर है उस दोनों जगह को देखने के लिए इनको आंगन कॉमन जगह था तो उस आंगन में जहाँ पर यूजली शीलपुत्र को लेकर मसाला बनाया जाता है यूजली एक्चुअली शहर का घर वाले कभी समझ नहीं पाएंगे इस कल्चर को शहर में ऐसा कल्चर नहीं है ना एक किचन में सब कर देते तो मसाला बनाने के लिए उसको थोड़ा अलग जगह पे रखते हैं जो कि यूजली कॉमन प्लेस या मतलब किचन थोड़ा इसको धुल कर क्या करते हैं मसाला बनाते पीसते हैं शीलपुत्र जिससे बोलते हैं पत्थर का जो रोलर इसको शीलपुत्र बोलते हैं संस्कृत में हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं सिलवट्टा है उस वो वहीं पर है और वहाँ पर माता जी आज बैठे हैं आंगन में और वहाँ पे उखल भी है उखल जबकि यूजली जहाँ डेली दधि मंथन किया जाता है वहाँ होना चाहिए वहाँ पर भी है तो चक्रवर्ती पाद इसके ऊपर बोलते हैं कि नंद महाराज कंस का भय से कहीं एक जगह पे फिक्स वगैरह नहीं पाते वृंदावन में कभी गोकुल में कभी इधर उधर जाना पड़ता था टेंट लगाते थे इसलिए इनका परमानेंट हाउस नहीं है और कहीं पर रुकते तो परमानेंट हाउस बनाने के बावजूद भी छोड़कर जाना पड़ता था इसलिए दधि मंथन तो बंद नहीं हो रहा क्योंकि गाय को एक दिन भी दूध ना दोगे तो प्रॉब्लम है आप जानते ना इनका थन में बहुत पेन होगा डिफरेंट डिजीज डेवलप हो जाएगा दूध दोहना ही पड़ेगा और दूध दोगे तो ऐसा नहीं कोई मार्केट से जाएगा वही नंद महाराज के साथ जितने सारे ब्रजवासी हैं सब खाएंगे तो उस दूध को लेकर उबाल कर वैरायटी सब मिष्ठान बनाते थे तो इसलिए इन्होंने दधि मंथन करने के लिए साथ में कहीं पर भी जाए दधि मंथन होने का फैसिलिटीज होना चाहिए था तो क्या किए इसलिए कह रहे कि बहुत सारे मोर देन 20-30 उखल रखे अदरवाइज अगर फिक्स्ड घर होता था ना अभी भी ब्रज में जाइए हमारे गांव में भी है फिक्स्ड घर है पता है कि हमें कहीं नहीं जाएंगे तो घर पर एक पोल बना देते हैं जहां पर दधि मंथन किया जाता है अभी भी है तो वो पोल में कर सकते हैं जबकि 84 खंबा है क्वेश्चन होता है नंद महाराज ये रखे क्यों उखल था क्यों कारण ये था कि उनको कहीं जाना पड़ता था कभी भी उस घर छोड़ने के लिए तैयार है क्योंकि खाना का सेफ्टी के लिए बलराम का सेफ्टी के लिए कम से कंस का उपचार से कहीं पर भी जाते थे तो उस समय क्या होता था उनके लिए माखन निकालने के लिए क्या चाहिए था उखल चाहिए था इसलिए उखल बहुत सारे थे तो एक उखल नहीं था एक उखल के ऊपर चढ़कर दधि खा रहे दूसरे उखल बांधा जा रहे सेम उखल नहीं है सो और जब मैया यशोदा सेवा करने के लिए तत्पर हुई है और कान्हा का उसी दिन दीपावली के दिन दधि मांग रहे हैं अर्ली मॉर्निंग और इधर के लिए सबको भेज चुके हैं दधि मंथन करने के लिए बैठे हैं बैठने से बैठो आगे पीछे मत हो उनका डिसीजन है आगे पीछे कर रहे सबको डिस्टर्ब कर तो
दधि मंथन करने के लिए बड़े प्रेम से बैठे हैं, बड़े खुश होके बहुत दिन का सेवा करने का मौका अब हाथ से अलवेज चले जाता था। जब भी बैठे थे सारे दासी यहाँ बोलते थे, आप महारानी आप कैसे सेवा कर सकते हैं, आप मंत्री हम कर लेंगे। बेचारे के हृदय के अंदर इतना उत्कंठा बढ़ते जा रहा था, कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। दैट इज द राइट एटीट्यूड ऑफ ए साधक। जीव उसमें बताते हैं भगवान का सेवा उनको प्राप्त होता है उनके जिनके हृदय के अंदर इस तरह का उत्कंठा जागृत होता है। सेवा कोई ना कोई ऑथोरिटेटिव डिवोटिस भगवान का सेवा को एक्सपैंड करवाते हैं और सेवा में किसी भक्त को प्रैक्टिसनर को लगाते हैं। तो जब तक इसी भाव से कोई सेवा करने के लिए नहीं आएंगे दैट इज नॉट बी कंसिडर्ड एज़ सेवा। सेवा करने के लिए हृदय के अंदर इतना उत्कंठा होना चाहिए। इस जीव को स्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो उसके बाद ये सेवा को रीस्टैब्लिश करने के लिए या पुनर्स्थापन करने के लिए नरोत्तमदास ठाकुर हमारे पारंपरिक आचार्य हैं, उन्होंने भी सिमिलर काइंड ऑफ भाव से बोलते हैं कि रूपे पाई भी सेवा मुहि दुराचार श्री गुरु वैष्णव रति ना हिला महा। गुरु वैष्णव के प्रति रति जब तक जागृत नहीं होगा, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए हमारा सीरियसनेस जब तक नहीं आएगा, कहने का मतलब उन्हीं के बातों को एज इट इज पालन करने के लिए हमारे मन में जब तक सीरियसनेस नहीं आएगा, करेंगे लेकिन हाफ हार्टेडली करेंगे। सपोज हाँ बताया तो फर्दी से कब बताया तो कर लो, लेकिन हमारा उसमें कुछ इंटरेस्ट सुबह आता है, और नहीं तो जबरदस्ती कराया जाता तो हाफ हार्टेडली किया जाता है, कुछ आधा अधूरा कर लो। सो दीज आर नॉट दी सर्विसेस, क्योंकि सर्विसेस कृष्ण स्वीकार करेंगे। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री आते हैं तो सब कुछ बेस्ट क्वालिटीज किया जाता है, ओवरनाइट रोड भी ठीक हो जाता है, जो कि रोड बनाने के लिए चार दिन काट देते हैं, है कि नहीं। इट मींस क्वालिटी काम होता है। और ये अनंत ब्रह्मांड का मालिक प्रधानमंत्री, तो इनके सामने ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री का क्या बात है। और ऐसे व्यक्ति आ रहे तो उनका सेवा है। कोई भी सेवा को जब तक किसी भाव से प्रेम से हम उत्कंठा सृष्टि नहीं होगा हृदय के अंदर, वो सेवा को भगवान के द्वारा स्वीकार जो नहीं होता, इसलिए दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज सर्विस। वो सेवा नहीं लेना है, वो क्या है, उसे कार्य। लेकिन बद्ध जीवात्मा का नेचर को देखते हुए भक्त क्या करते हैं, क्या करते हैं, लगाते हैं। श्री प्रभुपाद एक बार एम्स्टर्डम में डिटेंसलेशंस हो रहा था, भगवान का विग्रह का राधा कृष्ण का विग्रह इंसल्ट करने के लिए सेरेमनी चल रहा था। तो अभी जो भी टीम थे उस समय कितना ट्रेंड थे पता नहीं है। प्रभुपाद उस समय इसका बहुत पुराना नहीं हुआ था, 3 साल तो हुआ था यूरोप में, सब शुरू हुआ हरे कृष्ण आंदोलन चला, सेकेंड ईयर अमेरिका, थर्ड ईयर यूरोप में आ गए थे प्रभुपाद। तो टीम जो भी मैनेज कर रहे थे जैसे भी कर रहे थे, तो सारे चीजें को अनऑर्गेनाइज कर रहे थे। प्रभुपाद देख रहे थे क्या ये सब हो रहा है, कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज फेस्टिवल क्या कर रहा है सब। जैसे कि फल लाया गया था, प्रभुपाद ने फल लाने के लिए कहा था हवन में यूज करने, फल को ले लिए जूस बनाने के लिए, फ्रूट क्रीम बनाने के लिए। प्रभुपाद पूछा फल कहाँ है, प्रभुपाद फल तो फ्रूट क्रीम बनाने चले गए, इनको महसूस भी नहीं हो रहा है कि गलती हुआ, इनको महसूस नहीं हो रहा है कि गलती हुआ, फ्रूट सही जगह पे लगा है, लेकिन जिस पर्पस के लिए लाया गया था उसके लिए नहीं लगा। तो प्रभुपाद अंदर से अंदर क्रोधित होते क्योंकि जानते हैं मूर्ख है, समझते नहीं है, और डांटने के लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए ना, सब बिजी है। फिर प्रभुपाद बैठे दिखा वहां से सामान जिस ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहिए तेने रखा जा रहा है, गेस्ट वहां सारे इनको कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। प्रभुपाद अंदर अंदर क्रोधित हो रहे, क्रोधित मीन्स फॉर द सेक ऑफ करेक्शन, नॉट फॉर फॉल्ट फाइंडिंग, नॉट फॉर आउट ऑफ ईर्ष्या, क्रोधित हो रहे क्योंकि अफेक्शन है अपने डिसिपल के प्रति और अपना इंस्टीट्यूशन का ही फ्लॉप हो जाए। कई बार हम देखे हैं जब फेस्टिवल करते हुए आनंद उत्सव में थर्ड फोर्थ टाइम करते वक्त भी गेस्ट को प्रॉपर केयर नहीं लिया जाता है, लोगों को असुविधा होता है, तो उसमें बुलवाएंगे उसी फेस्टिवल में ही डांटेंगे। मुझे पर्सनल डांटे सब होंगे डांटेंगे सब,
करता, हम सोच रहे होंगे इतने सारे किया है फिर ग्रांट में, क्योंकि पर्पस मिट नहीं है। अभी यहाँ पे भी डांट रहे थे ना प्रभु जी, इधर विप्लव जो हुआ था, विप्लव हाँ, ये अनऑर्गेनाइज हो रहे थे सब, तो डांटा था ना, क्योंकि ऊपर प्लान नहीं था। इससे अर्ली मॉर्निंग उस समय जब पहुंचा ना, उसे मुझे लग गया कि ये कहने की गड़बड़ है, प्रॉपर प्लान नहीं है, समन एक्सपर्ट और इन्वेस्ट क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है। जबकि सेम थिंग आराधना के लिए प्रॉपर विजन टाइम देके सिस्टमेटिकली किया जाता है, जबकि प्रॉब्लम बहुत सारे था तो ऑर्गेनाइज हो गया था, बहुत अच्छा हुआ। फिर भी कभी होता तो बोलते हैं, जहाँ क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जहाँ से कॉन्सिक्वेंस ही उल्टा आएगा, उसमें डांट पड़ता है। तो प्रभुपाद आप क्रोधित हो रहे हैं कुछ देर के लिए, कुछ देर के बाद ठक 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 आवाज आया, कहाँ खुदाई पिटाई कुछ कर रहे, क्या कर रहा है सब। सांदर उठ कर गए, ऐसे भी क्रोधित थे पहले से, अंदर जाकर देखा अल्टर जो बनाया उसके अंदर विग्रह फिट नहीं हुआ। सो वो क्या कहते हैं इसको, लोहे का लाते सरिया नहीं, नहीं पीटने के लिए हथौड़ा लाकर ठक ठक करके पीट के अंदर जाएगा। तो पास देखे, आप तो ऑलरेडी क्रोधित थे, भगवान को क्या कर रहे हो, उनको पता नहीं ना, वो समाधान फिक्स करना चाहते हैं। सेल्फी तो ऐसे ही करता है, बीड़ी पीता है, ऐसे बनाता है, फोटो क्लिक करता है, उसको हम पूजा करते हैं लाके, ऐसे ना। जो मुसलमान कारपेंटर्स काम करते हैं अल्टर के अंदर, वैसे ही चढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो लाइक वाइज, लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर बाहर का व्यक्ति नहीं, हमारे प्रपत के तो प्रपत का क्रोध इंटॉलरेंट हुआ, वहां से क्रोधित हुई, क्या कर रहा है सब करके वहां से आ गया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन, बोले अल्टर था बाहर आए, जहां बैठे थे वहां बैठकर जोर से चिल्ला रहे, डांट रहे सब। सो क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे सेवा भगवान का प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, जिसके लिए सेवा कर रहे उनका प्रसन्नता नहीं, उनको टोक रहे, हवन करने के लिए पुरुष लाए तो उसको क्रीम बना रहे, हवन कैसे हो। तो इसलिए सारे गड़बड़ हो रहा था, इसलिए सेवा से हटा रहे। सो बाय दैट टाइम प्रभुपाद ऐसे चिल्ला रहे, पीछे से एक व्यक्ति प्रभुपाद का पीठ को ऐसे ऐसे, प्रभुपाद मोड़ के देख ले, ऐसे क्रोधित है। तो डू नॉट वरी, सिंपली चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद देखा एक शराबी जिनको सिखाए थे चैंट एंड बी हैप्पी, वो शराबी बोल रहे हैं डू नॉट वरी चैंट एंड बी हैप्पी। सही स्थिति है, कहने का मतलब अगर सेवा ढंग से नहीं होगा तो गुरु कृष्ण का पर्पज है, गुरु का स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेक्शन करेंगे, शिष्य का पतन होगा, डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, गलत डायरेक्शन में जाएगा, सीख नहीं पाएगा। प्रभुपाद इसलिए आपने बहुत सारे डिसाइपल्स को भी अपने लेटर में बहुत हेवी वर्ड्स लिखा है, डांटा भी है, क्योंकि करेक्शन करना था। एंड प्रभुपाद थक जाते थे, चलना मुश्किल होता था, पूरा बूढ़े हो गए थे, 80 ईयर्स आसपास हो गए थे, चलना मुश्किल हो रहा था, फिर भी रथ यात्रा करके आएंगे, रेडियो प्रोग्राम देंगे, चले जाएंगे, खाने का पीने का ठिकाना नहीं था, और उसी समय कहेंगे मेरे लिए अभी टिकट करो, मुझे दूसरा सिटी में जाना है, भक्त कहेंगे कि संभव नहीं प्रभुपाद, आपका तबीयत देख रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, 10 मिनट में ब्रेक लूँगा, क्योंकि वहाँ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे भक्त डिलीट हो जाएगा। दिस इज व्हाट द पेन ऑफ साधु गुरुज हार्ट, गुरु और साधु करने के अंदर एक कष्ट रहता है, जिसके वजह से वो डांटते हैं, अदरवाइज डांटने का जरूरी है, सारा दुनिया को प्रेम सिखाने के लिए जो आए वो डांटेंगे, लेकिन डांटना भी एक प्रेम है, निजी व्यक्ति को डांटते हैं ना। मैं लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दे रहा था, प्रभुपाद एक एथिस्ट के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, तो एथिस्ट वाज स्पीकिंग सो मेनी नॉनसेंस दैट कृष्ण भगवान करके कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं,
कोई भगवान भवन नहीं है, अननेसेसरी लॉजिक लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे, प्रभुपाद इन वैदिक लॉजिक को प्रेम से काटते जा रहे। तो प्रभुपाद काटते काटते बोला, यू रास्कल, व्हाई आर यू डूइंग ऑल नॉनसेंस, ऑल दिस लॉजिक्स यू आर प्रोवाइडिंग इज यूजलेस। तुमको ना क्रोध आया, मुझे रास्कल बोल रहे, तो और आर्ग्यूमेंट किया, उल्टा सीधा किया प्रभुपाद, और ज्यादा रास्कल का। सो प्रभुपाद एट द एंड पूछा, व्हाट इज योर इंटेंशन अबाउट दिस डायलॉग, आप ऐसे क्यों अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते हैं? तो इन्होंने कहा कि बिकॉज दिस इज माई प्रोफेशन, आई डू लाइक दिस, बट वाई आर यू चैस्टाइजिंग मी सेइंग रास्कल्स। तो प्रभुपाद ऐसे भी गंभीर थे, इमीडिएटली इनका मूड बदल गया, बिकॉज आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता, बिकॉज आई लव यू। साथ ही बोला, आई डू नॉट वॉन्ट टू यू वॉन्ट यू टू वॉन्ट टू सी यू टू टेक बर्थ एंड सफर अगेन। दिस इज वॉट द हार्ट ऑफ साधु एथिस्ट है, कृष्ण का अस्तित्व का नकार है। उधर क्या कह रहे, बिकॉज आई लव यू, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम चैस्टाइजिंग। रास्कल बोलना मुझे क्या जरूरी है? ऐसे कोई भी साधु जो डांटते हैं, क्यों? क्योंकि सेवा ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि जीव के प्रति साधु का प्रेम है, इसलिए डांट रहे। इसका कोई स्पेशल पर्सनल अटेंशन है, पर्सनल मोटिव तो ही नहीं। तो यशोदा मई भी ढंग से जब सेवा करने के लिए बहुत आतुर होकर रहते थे, जीव गोस्वामी इसी कंटेक्स्ट में सेवा का भाव को लेते हैं। नंद दास ठाकुर भी सेम थिंग बोलते हैं, श्री गुरु वैष्णव रति जननाथ महिला मा, श्री गुरु वैष्णव का बातों में विश्वास नहीं हुआ। रति मीन्स निष्ठा से ऊपर, विश्वास और श्रद्धा का सुपरलेटिव डिग्री। जब तक ये नहीं हुआ तब तक भगवान का सेवा नहीं कर सकते। अब तक जितने सारे कर रहे केवल कार्य कर रहे कुछ, ताकि हमारा एक दिन अटैचमेंट बढ़ेगा। ऑफिस में बॉस को सर्व करने के लिए कभी किसी को इच्छा नहीं होता है, लेकिन काम करते करते पार्टी करने के लिए जाते हैं, राइट? दोस्ती होता भी ऐसे ही, काम करते 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 साधु हमें सेवा में लगाते लगाते भगवान प्रति प्रेम ले पाते, ये आशा। अदरवाइज हम सेवा नहीं कर रहे। बॉस के तो बड़ी सैलरी भी मिलती है, इस चक्कर में भी सुनते भी हैं, करते भी हैं। यस, नहीं जो भी है बाद में दोस्त भी होता है, वही बॉस को गाली देंगे फिर दोस्ती भी होगा। जी जी जी, ये सब ना पैसा दिखाई दे रहा हो। सो यशोदा मई बहुत प्रेम से मक्खन बनाने के लिए लगी हुई है। उस समय क्या होता है, कृष्णा यशोदा मई का इच्छा क्या है, कृष्णा आज थोड़ा लेट तक सो जाए, इसीलिए जानबूझकर गीत गा रहे। मैया अगर गाएगी ना उनका सॉफ्ट आवाज से, और उन्हीं का ही गुण, कल हमारा बच्चा क्या किए थे उसके ऊपर लगे सुंदर गाना करेंगे, तो आराम से सोते हुए सॉरी सुनते हुए सोएंगे। तो मैया का इच्छा है कि और ज्यादा सो जाएगी, ताकि मैं आराम से इनके लिए प्रसाद बना लूं। तो यू शुड अंडरस्टैंड, डूइंग सो हम बोलेंगे गाना सो जाने दो, ये कैसे प्रेम है? इसका सुप्रीम प्रेम है, क्योंकि कान्हा उठने के बाद बेस्ट क्वालिटी का मक्खन बना कर दूंगी। कान्हा उठेंगे तो जिस आंगन में मैं रह रहा हूँ सबको साफ सफाई कर दूंगा, आराम से खेलेंगे। एवरी मोमेंट एवरी एक्शंस एवरी थॉट शी इज थिंकिंग हाउ कृष्ण विल बी प्लीज्ड, दैट इज रियल सर्विस। ऐसे नहीं है दूसरे बच्चे के साथ जैसे अदर मास करते मैया करते, ऐसा नहीं है। कान्हा अभी सो जाए बहुत अच्छा होगा, इसलिए हर तरीका संभव है। मक्खन निकालने के लिए, दधि मंथन करने के लिए परिश्रम कर रहे, गाना भी गा रहे, और कंटेम्प्लेट क्या कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में कंटेम्प्लेट। ये नहीं कर रहे सेवा कैसे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंटेम्प्लेट या क्वालिटी क्या सेवा का, ही सीज कंटेम्प्लेट अबाउट कृष्ण। इसलिए मैया यशोदा इज अ क्लासिकल रोल मॉडल फॉर अ सन्यासी, जो काय मन और वाक्य तीनों में सरेंडर होते हैं अपने गुरु को। ऐसे ही मैया यशोदा कृष्ण का सेवा के लिए काय मीन्स बॉडी, बॉडी से परिश्रम कर रही है, मन मीन्स मन में कंटेम्प्लेट कर रहे हैं, और वाक्य बोल रही है भगवान का कथा गान कर रहे हैं। त्रिदंडी सन्यासी का, त्रिदंडी सन्यासी क्यों, त्रिदंड दंड जो त्रिदंड लेके कैसे घूमते हैं, दंड में तीन ऐसा तीन दंड एक दंड लेके घूमते हैं, और वो दंड को नीचे करते हैं फिर उसके बाद दंड करते हैं, कोई उसे नहीं सा। इट मीन्स इज द सिम्टम्स ऑफ आई एम कंप्लीटली सरेंडर्ड, मेरा बॉडी माइंड एंड सोल से चंद्र महाप्रभु ऐसे कहते थे। तो कौन है गिरिराज स्वामी कहते थे, यशोदा मई द रोल मॉडल फॉर ए सन्यासी,
प्रधान समय राइटर नॉन्सेंस स्त्री नहीं है रोल मॉडल सन्यासी तो भैया यशोदा मक्खन निकाल रहे हैं लेकिन कृष्णा लेकिन प्रभाव उल्टा हो गया वो सोचे थे ना उठे लेकिन प्रभाव उल्टा हो गया उठ कर आ गए जान बुझ कर उठ कर आते हैं क्यों क्योंकि कृष्ण तो भगवान है ना जीव गोस्वामी रीजन देते हैं कृष्ण उठकर क्यों आए बिकॉज कृष्ण कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम तिष्ठामि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु योगिनां हृदयेषु वा यत् गायन्ति मद्भक्तात् यत्र गायन्ति मद्भक्तात् तत्र तिष्ठामि मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं मेरा गुण मैं वहीं पर रहता हूँ मैं ना तो योगियों के हृदय में होता हूँ ना तो वैकुंठ में होता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं यशोदा का गुणगान कर रहे कैसे रहेंगे स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्ट होकर आ रहे है ना तो इसलिए सेवा भाव अगर इंटेंस होगा ना कृष्ण पर्सनली आएंगे सेवा लेने के लिए इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे ना कि डू नॉट ट्राई टू गो टू कृष्ण कृष्ण के पास जाने के लिए प्रयास मत करो बट ट्राई टू सर्व इन सच ए वे दैट कृष्ण विल बी प्लीज टू कम टू यू देन एग्जांपल देते थे एक साधारण जवान इतना सुंदर काम करता है बहुत सारे लोग अपना जान को बाजी लगा कर क्या करते हैं बॉर्डर पर रक्षा कर लेता है तो प्रधानमंत्री पर्सनल इनके पास आते हैं गले मिलते या अभी जैसे बिश्नोई परिवार को वेलकम करने के लिए उस समय का प्राइम मिनिस्टर गया था ऐसे ही ओडिशा का कोई एक रिमोट प्लेस में एक क्या नाम है गरीब व्यक्ति था जिन्होंने अपना परिवेश को इतना सुंदर स्वच्छ मेंटेन किया था उसको रिवार्ड देने के लिए उसको रिवार्ड देने के लिए पर्सनली गए प्रधानमंत्री क्योंकि वो आ नहीं पाए इनको बुलाया गया पद्मश्री उपाधि लेने के लिए आओ उन्होंने चिट्ठी लिखा कि मैं बहुत खुश हूँ आपका रिवॉर्ड से लेकिन आपके वहाँ दिल्ली पहुँचने के लिए मेरे पास ऐसे प्रभु ये संत तुकाराम के यहाँ भी वो राजा आए थे ना शिवाजी आए थे तो दिस इज साइन अप क्या ईगरनेस टू गेट दिस टू डू दिस सर्विस ये सो ऐसे ही कृष्ण पर्सनली आते हैं सेवा को स्वीकार करने के लिए माता सबरी क्या की थी कोई सेवा की थी उनके हृदय के अंदर प्रति मोमेंट प्रतिदिन सुबह से शाम हो गया आज कृष्ण आएंगे आज भगवान राम आएंगे आज आएंगे ऐसे करते करते कहीं हजारों साल काटा राम आए भगवान रामचंद्र को सबरी के पास जाने का कोई रीजन ही नहीं था पर्सनली आए ऐसे ही हमारे रूप सनातन का हृदय के अंदर इंटेंस डिजायर था तो महाप्रभु वृंदावन जाने के आल में करके पूरी वासियों को कहा पूरी भक्तों को कि मुझे वृंदावन जाना है लेकिन उनका लक्ष्य क्या था रूप गोस्वामी सनातन दर्शन देने राम के लिए आए वहां से लौट के चले गए पर्सनली आए चैतन्य प्रभु श्री रंग में गए वहां से आगे चले जाना चाहिए था वहीं पे वेंकट भट्ट आगे रिक्वेस्ट कर दिया कि महाप्रभु चाहिए किनको गोपाल भट्ट को गोपाल को संग देना था तो भगवान पर्सनली आते हैं अगर इंटेंसिफाइड डिजायर होगा कि भगवान को पर्सनली सेवा करो ऐसे सो मेनी साधारण व्यक्ति भी ऐसे भक्ति करके भगवान स्पेसिफिकली आए एक बूढ़ी माता थी उड़ीसा में बहुत गरीबी का ट्रीटमेंट करने के लिए डेली खाने के लिए अभी भी ऐसे लोग हैं खाने के लिए लेकिन इनको कोई एक व्यक्ति राधा माधव को श्री गोपाल का एक विग्रह था इनको सजाने के लिए इनका डेली बड़ा इच्छा है माता ना को अनपढ़ है कोई शास्त्र नहीं पढ़ी कुछ नहीं जब करते किसी गौड़ी वैष्णव से नहीं सेटेड थे वो डेली भगवान को सजाए सजाते सजाते इनके मन में एक दिन भाव आया भगवान का नाक के नथनी जो कुछ बनाते हैं अगर एक सोना का होता था देखिए गरीबी का खाने के लिए सुविधा नहीं है अब भगवान के लिए सोने का नथनी बनवाई इनके मन में हृदय में इच्छा आया और ये इच्छा कहीं सालों से है इंटेंस डिजायर इच्छा इंटेंसिफाइड होते जा रहे
इनका एक मात्र इकलौता बेटा था जिनका आश्रित होते हुए, क्योंकि वो वृद्धा और विधवा थी। भगवान का क्या कृपा है या क्या है हम पता नहीं, ऑफकोर्स कृपा होगा, बेटा चलेगा बुरी माँ है, प्रॉपर्टी कुछ नहीं था, जितना प्रॉपर्टीज बेटी को जौतुक में दिए थे बहुत कम। बेटी ने कहा कि ये जो जमीन है माँ तुम ले लो, खाने के लिए तुम्हारा असुविधा है। बेटी आती थी तो खुद का कपड़ा धोने का करने का काम करवाती थी, लेकिन डेली भगवान का सेवा कभी नहीं छोड़ी, डेली श्रृंगार करती थी। बस श्रृंगार करेगी बहुत देर तक भगवान का चेहरे में देखते रहेंगे, और देखते वक्त इनके हृदय के अंदर जागृत हो रहे कि काश नाक में एक नथनी होता। तो बेटी ने कहा कि ये जमीन ले लो, तो कहा बेटी अगर तुम सच में मेरा सुख देखना चाहते हैं, मेरा तो समय चलेगा, खाए ना खाए क्या जाता है। बेटी बोल रहे क्या कह रहे भाई, ये कि जो जमीन मुझे दे रहे ना, हमारा तो संपदा नहीं है ना, तुम कुछ कर सकते, उस जमीन को बेच दो, कोई कर सकता है, कोई पोजिशन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उस जमीन को बेच दो, बेच कर एक नथनी पा। मन वाक्य में कंप्लीटली डेडिकेटेड है, खाने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई आश्रय देने के लिए नहीं है, लेकिन गोपाल के लिए नथनी मनो, अपने बेटा के लिए बेटी के लिए कर सकते हैं, गोपाल के लिए काम करेंगे, यही बेटे बेटे लात मारेंगे। और माता क्या किया, वो जमीन बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि हैंड ओवर नहीं हुआ था, बेटा चला गया है, आदि आदि कुछ था, इसको बहुत मुश्किल से इनके जामात को बोलकर, जामात से बात नहीं करते, यहाँ पे तो ओपन कल्चर है, हमारे वहाँ पे अगर कल्चर्ड परिवार है, आजकल तो सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन क्या बात करेंगे, कल्चर्ड परिवार है तो सास के साथ कभी जामात का इंटरेक्शन हार्डली होता है, होता है तो दूर से इनडायरेक्टली ऐसे। दमाद जो भी बोलते हैं, सनिल्ला से सास कभी हार्डली कभी बात करती है, जैसे कल्चर तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है, आजकल बहुत पीछे ही है, सेवा ही कर रहा है, आउट ऑफ रेस्पेक्ट जो बात होगा अपने पत्नी के माध्यम से बात करो, रेस्पेक्ट कल्चर, तो कार्यवाही का कल्चर है। ये हमारे इन-लॉज भी ऐसे दिखे आएंगे तो आप देखिए, कभी ऑब्जर्व करिए, मेरे से डायरेक्टली कोई बात नहीं होगा, अभी तो घूंघट रहेगा, दूर रहेंगे, क्योंकि अब तो यहाँ नया ट्रेंड है कार्यवाही का, मतलब बात अलग है, उसमें कमेंट नहीं कर सकते, सोसाइटी किस डायरेक्शन से जा रहे हैं, हम भक्तों को सिखा सकते हैं, सबको सिखा सकते हैं, ऑन टॉप ऑफ उसमें भी मुश्किल होता है, बोलते ठीक है हरे कृष्ण करते रहो ठीक है, लेकिन एक भद्र व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, इस तरह अभद्रम करना उसको भी बोल नहीं सकते, कि इसका इंटरनेशनल संस्था है। तो जो भी है, जो जामात से बात नहीं करते, बेटी को कहा कि आपने पति को कहो इसको इस जमीन को बिचवा के बेच के जो जो, जो आएगा लक्ष्मी उसमें क्या बना दे, पत्नी बना दे, गोपाल बनाऊंगी। दैट वाज द इंटेंस डिजायर सिंस कपल ऑफ इयर्स, सालों से माता इच्छा, क्योंकि इनके पास धन नहीं है, इम्पॉसिबल डिजायर है ना ये। आजकल सुबह महाराज लेक्चर में बोलते क्या है, बिग क्या है, बिघट घटनी, भगवान कैसे, तो जो असंभव कार्य को कार्य संभव करने वाले बिघट घटनी गुण है भगवान का, ऐसा बोलते बिघटन घटनी, जो घटना संभव नहीं है उसको घटा सकते कौन, भगवान, उसको बोलते बिघट घटनी गुण है भगवान का। तो असंभव था ना ये, पहले तो कुछ खाई नहीं, बेटी दिया उस जमीन खाने के लिए, तो खाने के लिए देने की क्या कहा, बेटी तुम बेच कर इसको नथनी बनवा, और नथनी ऐसा नहीं कि आज गया कल बनकर आ गया, बहुत मुश्किल से पैसा लेकर गए, नाप लेकर गए, सुनार के पास समय होना चाहिए, बना कर दिया। माता हर दिन इंतजार करते थे शायद आज बना कर लेकर आ जाएंगे, मैं पहना लूंगी, अब भगवान को देखते देखते रह जाएंगे, डेली श्रृंगार करेंगे देखेंगे नथनी आज नहीं आ पाया, नेक्स्ट डे श्रृंगार नथनी आज नहीं आ पाया। कुछ डेढ़ महीने के बाद जमीन ये सब रिजर्व करके लाए, शायद डेढ़ दो महीने के बाद, और जिस दिन
नथनी लेकर आए, इनके बेटी अर्जामत घर पर आए, दामाद दोनों मिलकर घर पर आए थे। कहा मम्मा वो मदर में लेकर आए तुम्हारे लिए क्या, नथनी लेकर आ गया। उस दिन इनका मन में इतना खुश है, बेटे बोल रहे माँ तुम आज इतना खुश कैसे दिख रहे, लेकिन वो किसी को कह नहीं रही, इतना खुश है क्योंकि इतने दिन से इंतजार कर रहे थे ना, है ना, तो इतना खुश है। और नथनी लिया बेटे और दामाद को खाना पीना करने के लिए अपने बोल दिया, तो बूढ़ी हो गए थे बेटी दामाद, अपने बातों करने के लिए लगे हुए, छोटा सा टूटा हुआ घर था, हरी भगवान का श्रृंगार करने के लिए गए, आज श्रृंगार किए और नथनी पहनाया, पहनाते हुए भगवान का चेहरा को निहारने लगे, देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे सिलेक्ट बोर्ड। बेटी बोल रहे भैया क्या कर रहे हैं, तब से आ नहीं रहे, बस खड़े हैं हाथ लेके देखते रहे, बस देख रहे गोपाल आज नथनी पहने, बहुत दिन का इच्छा मेरा पूरा हुआ है, भगवान आज नथनी पहनते क्या सुंदर लग रहा है। Actually, this kind of emotions we have to develop, and for that the process is by the way. Regularly regulations लगाकर जबरदस्ती अपने आप को समय निकाल कर आएंगे तब इमोशन डेवलप होगा, उसमें क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करेंगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। माता कर लिया क्या नाम था ब्रो जी इनका, कोई फेमस व्यक्ति नहीं थे, एक गरीब माँ थे गाँव का, गाँव के आस पास उड़ीसा की कथा, उड़ीसा का उस पार्ट ना, बंगाल और उस बॉर्डर में बालेश्वर बॉर्डर में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, अभी भी बहुत गरीब है, मतलब गरीब है, उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे ऐसे गरीब है, गरीब लोग हैं गरीब ऐसा है। यहाँ पे तो जो कि झोंपड़ वाले तो भी बेटर है, हाँ ऐसा है। तो मैया यशोदा को, मैया यशोदा नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण आ जाते हैं और कृष्ण सीधा कहाँ घुसते हैं, मैया के पास। मैया देख जैसे देख लिया तुम क्यों उठ गए खाना आज, ऐसे भाव आ रहे भगवान में, क्या दधी मंथन करने नहीं देंगे तुम, तो खाना, लेकिन आंख मलते मलते जैसे कुछ नहीं जानते अंतर्ज्ञानी हो, मलते मलते आते क्या करते हैं, मैया यशोदा का पहले कान में हाथ डालते हैं, मतलब पीठ पे जहाँ तक हाथ पहुँचेगा, बैठिए ना ना, उसके बाद खाना बोले ठीक है तुम आए इतने जल्दी क्यों उठे, बोल के दधी मंथन, मैया कृष्ण का अटेंशन नहीं दे रहे, दैट इज द सुप्रीम लव, है ना। ऑन द अदर हैंड हम किसी भी पर्टिकुलर सेवा में बिजी है, अगर हम सीनियर आ रहे हैं रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, दैट इज डिसरेस्पेक्ट। क्यों, वहां पे मक्खन निकालने के लिए सेवा में व्यस्त थे वो, लेकिन हम पर्टिकुलर कोई सेवा में एंगेज रहे जहां से उठकर सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अटेंशन तो दे सकते हैं, मैया कान्हा को अटेंशन दे रहे, अब बोल रहे तुम सोया क्यों नहीं, कहना आया क्यों, इसका कारण भी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताएंगे, इसको मैं डिस्कशन करना चाहता लेकिन लेट हो गया। क्यों ऐसा, मैया ऐसे क्यों सोच रहा था, जीव गोस्वामी बता रहे इसको, रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु एंड चैतन्य महाप्रभु का रूप शिक्षा मदिलाला 19 चैप्टर, हम रोटी चैप्टर पढ़ रहे थे 19 चैप्टर रूप शिक्षा, उसमें वर्णन कर रहे हैं कि वात्सल्य स्नेह का पराकाष्ठा ये, वात्सल्य स्नेह में उसमें चनात्र जीव रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि शांत रस का अदर भक्त कैसे होते हैं, दास रस भक्त कैसे होते हैं, सख्य रस कैसे होता है और वात्सल्य रस कैसे होता है, उसमें क्या गुण है जिसके वजह से मैया इग्नोर कर रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, एंड उसमें सर्वोच्च प्रेम छुपा है ना, क्योंकि इमीडिएटली जीव गोस्वामी आर्गुमेंट दे रहे, अगर कान्हा को अटेंशन देंगे मक्खन निकालने का समय चला गया तो मक्खन निकलेगा नहीं, आजकल फ्री में डाल के कुछ करें, फ्रीज में डालकर कुछ करके कर देते हैं, पहले अर्ली मॉर्निंग में अगर मक्खन निकाल नहीं गया, सूरज उग गया तो मक्खन नहीं निकलेगा, अच्छा मक्खन भी निकलेगा नहीं, पानी में मक्खन छूट जाएगा कुछ, है ना, तो अगर ये समय चला गया तो फिर गया दोपहर होने से पहले सुबह 7 बजे 6 बजे ही कान्हा बोलेंगे मम्मी या मैया मुझे मक्खन दो, मक्खन नहीं आता, सारे दूध तो दूसरों को खिलाकर ये सब लाए, आप फिर बोले मुझे दूध पिलाओ दूध दे दो, तो इसलिए दूध को बचाने के लिए भी जाते हैं, दिस द रीजन। नेक्स्ट मोमेंट क्योंकि कृष्ण अप्रसन्न हो जाएंगे, आप बोलेंगे दूध पी रहा था इनको नीचे बैठा दिया, कोई माई ऐसा करते हैं तो
दत्तलक्ष्मी माना जाता है, कोई अगर बच्चा दूध पान कर रहा है उनको जबरदस्त उठा कर नीचे जाता है, मैं यह सुधा कर रहा है, लेकिन सुप्रीम लॉ में यह जैसा फट बैठा दिया, इसलिए काना क्रोधित हो रहा है। यहाँ काना क्रोधित हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट ऑफ लव जो है, जिनको प्रेम किया जाता है इनका प्रसन्नता के लिए सेवा करना चाहिए, और इनका सेवा से ऊपर अप्रसन्न है, दिखा रहे ऐसे, काना ऐसे दिखा रहे ना, क्रोधित हो रहे हैं, दांत दबा के मैया छोड़ कर चले गए घर के, है ना, फिर मैया गए दूध को बचाने के लिए। हाँ, दूध उधर क्या सोच रहे हैं, मैया यशोदा एक इटर्नल मदर है, कृष्ण परम भगवान है, उनको सेवा करने के लिए, सेवा देने के लिए हम दूध बनकर यहाँ आए थे, बहुत मुश्किल से 9 लाख गाय से स्पेशल घास खिलाने के बाद 8 गाय से भी 7 गाय का दूध निकाल कर एक व्यक्ति को, एक गाय को पिलाया था, उसमें निकले थे, तो पर्सनल फ्रेंड व्यक्ति बहुत मुश्किल से उसमें निकले थे, हाँ कितना मुश्किल से आए, और उस दूध को पीना था, अभी गर्म हो रहा था, उस दूध को पीने के लिए इच्छा नहीं है, क्योंकि मैया का दूध पीने शुरू करेंगे तो काना का पेट भर जाएगा, क्यों, क्योंकि मैया का तन के अंदर इतना दूध है, अगर इटरनल टाइम से लेकर इटरनल टाइम तक पीते रहेंगे तो मैया का स्तन से दूध खत्म है। इसी कंटेक्स्ट में ही लाया जाता है, मॉडर्न जमाने में भी, अभी का समाज में भी, जिनका बच्चे पैदा होते हैं उन माँ के स्तन के अंदर दूध नहीं आता है तो हतलक्ष्मी मानते हैं, जो द सिम्टम्स, और ऐसे बात करते भी कुछ माँ का अपना बच्चा को दूध पान कराने के लिए कराते रहते हैं और उसके बाद भी स्पॉन्टेनियसली स्तन से दूध निकल के खरीद होकर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं कि दिस द मोस्ट ऑस्पिशियस लेडी। हतलक्ष्मी क्या होता है, मतलब ये इससे क्या, इसके क्यों हतलक्ष्मी क्यों कहा जाते हैं, क्योंकि आपने बच्चा को खिलाने के लिए स्तन से दूध निकलना डिपेंड करता है कितना अफेक्शन है आपने बच्चे के, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट बता रहे हैं। तो मैया यशोदा का प्रेम इतना था कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे, वर्णन कर रहे, वो भी सुखदेव गोस्वामी परम वैरागी वो डिटेल्ड वर्णन कर रहे, स्पॉन्टेनियसली स्तन से दूध खरीद हो रहा है, केवल कृष्ण का नाम गुणगान करके याद करते हैं, और उसके बाद जब तन पान करने के लिए आते हैं कैसे करते हैं बताते हैं, जो गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं, और इसी के ऊपर चक्रोत्पाद भी एक्सप्लेन करते हैं, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट के ऊपर 22 व्यक्ति कमेंट्री लिखे हैं, वो भी असाधारण व्यक्ति, दैट इज 10th कैंटर, असंभव चीज है, और स्पेसिफिकली दामोदरला तो इसके ऊपर कहीं और ज्यादा आचार्य लिखे, 10th कैंटो के ऊपर केवल 22 बड़े बड़े आचार्य कमेंट लिखे, तो साधारण सब्जेक्ट नहीं है, जो कृष्ण का बाल लीलाएं देखते हैं सुनते हैं हमें साधारण लगता है ना, असाधारण नहीं है। और विशेष रूप से जीव गोस्वामी चक्रवर्ती पाद जिसके ऊपर लिख रहे हैं असाधारण काम। तो अब मैया यशोदा स्तन पान गिरा रहे और काना स्तन पी रहे, हाथ ऊपर, यूजली माँ के साथ जब बच्चा दूध पीता है ऐसा करता, हाथ ऊपर घुमाता तो माँ खुश होते हैं, है ना, और मैया क्या कर रहे उस समय, उनका सर पे हाथ घुमाते हुए उनका चेहरे को देखते हुए उनका आनंद इतना मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रह्मा शिव सारे देवता पागल है, क्या भाग्यशाली है मैया यशोदा। और उस समय क्या हो रहा है, काना माँ के मुंह को देख रहे, मैया ने काना का मुंह को देख रहे, भगवान का मुख को तो ऐसे देख के ही पागल हो जाती थी डेली, इसका कंप्लेन ही भूल जाते, आज प्रेम से दूध पिला रहे और इतना दूध छरित हो रहा है, काना दूध पीने के बावजूद भी इस तरफ से सब इस तरफ रखा था, इस तरफ से दूध बहते चले जा रहा, पूरा पिक्चर स्पेसिफिकली इसको संस्कृत श्लोक में लिख रहे कौन, सुखदेव गोस्वामी, सिर्फ साधारण लीला नहीं है। और उसके बाद मैया यशोदा इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट नीचे गिरा देंगे, क्या स्नेह नहीं है, स्नेह भरपूर है, क्योंकि कान्हा का हायर प्रसन्नता के लिए और ज्यादा प्रसन्नता के लिए दूध को बचाने के, दूध बचा के रखेंगे ना, अभी एक घंटे के बाद बोलेंगे भूख लगेगी कान्हा मुझे, मामा दूध दीजिए मुझे, दूध चाहिए मुझे, दूध चाहिए, अब बेस्ट दूध बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया, अब चूल्हा में चले जाएगा,
इसलिए इमीडिएटली गए, ये रीजन दे रहे, नहीं तो कहना कंप्लेन करने के मैया दूध नहीं रखते तुम कैसे मैया। इसलिए मैया सेवक बहुत एक्सपर्ट है, भगवान से भी ज्यादा एक्सपर्ट सेवक होते हैं, भगवान क्या सोचते हैं वो समझ लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इमोशन बहुत मजबूत होना चाहिए, सॉफ्टेस्ट इमोशन होना चाहिए, सॉफ्टेस्ट एंड मजबूत, ताकि दूसरे व्यक्ति का हृदय कम जीत सकते हैं सर्विस। अदरवाइज सेवा करते रहो, कितना काम अचीवमेंट करो, कोई प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए सिंपल सा हिप्पी है, शराब पियो आंख ऐसे हो रहा है, बोल रहे चांट एंड पी है, प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन से वही बोल रहे हैं। ओके, उसी विश्वास से हिप्पी टिका हुआ है, प्रभुपाद क्रोध कर रहे। तो दिस द सिचुएशन, तो हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं यह सोचते जो अफेक्शनेट नेचर है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे सात रस में भक्त क्या करते हैं, दास्य में क्या करते हैं, साख्य में क्या करते हैं, माया का स्थिति क्या है। सेवा भाव, मैया यशोदा से सेवा भाव सीखना चाहिए, दूध से सेवा भाव सीखना चाहिए। सेवा ढंग से नहीं कर पा रहे या हम भगवान का सेवा में गुरु कृष्ण का सेवा में लग नहीं पा रहे, बेटर गो एंड सुसाइड। इसी कॉन्टेक्स्ट में चक्रोत्पाद लेकर आ रहे विष्णु चक्रोत्पाद, छोटा हरिदास का कहानी, महाप्रभु को सेवा नहीं कर सकते ऐसा जीवन रख के क्या फायदा, सुसाइड। प्रभुपाद के भी एक डिसाइपल ऐसे किया था, प्रभुपाद ने शायद कहा था कि मतलब ऐसा नहीं, मतलब उन्होंने तो बिल्कुल एथेटिटी ले लिया था, तो एक्चुअली कथा भी ढंग से समझना पड़ेगा। जी जी जी, तो दूध भी सोच रहे हमारा तो अनंत काल तक अगर मैया का दूध पिएंगे तो पेट भर जाएगा, हमें क्यों पिएंगे, तो फिर हमें अगर भगवान का सेवा में लग नहीं पाएंगे तो फायदा क्या है, सुसाइड करो, तो दूध निकल रहे सुसाइड करने के लिए, कॉन्शियस बीइंग। ऐसे भी साधकों को ये चीज सीखना चाहिए, ये सारे सॉफ्ट इमोशंस जितना बार बार सुनेंगे और कंटेम्पलेट करेंगे कि हम सेवा में कैसे इसको अप्लाई करें, तब जाके अटेंटिव जपा कर सकते हैं, तब जाके भगवान को प्रेम करने के लिए मन विचलित होगा, तब जाके भौतिक पदार्थ के प्रति कभी अटैचमेंट नहीं होगा, तब जाके इंद्र तृप्ति कटेगा। ये सेंटिमेंट को इमोशन को जो डेवलप कर पाता है भाग्यशाली, और इसी यही श्री प्रभुपाद का आदेश के माध्यम से सीखा जा सकता है, प्रभुपाद का टीचिंग से सब कुछ जो बताया जा रहा है करनी है, हमें अच्छा लगे इसलिए हम सैटरडे प्रोग्राम में सॉरी इवनिंग प्रोग्राम के बारे में बोलते हैं, अगर कोई सेवा नहीं करें तो कष्ट तो होना चाहिए, द पेन इन द हार्ट शुड बी देयर, आज मैं जा नहीं पाया, सेवा नहीं कर पाया, कैसे होगा भगवान का सेवा, कोई कर भी लिया तो पेन होना चाहिए, जब तक कंफर्म नहीं हो गया भगवान का सेवा आज ढंग से अच्छा तरीका हो गया कोई चाहिए, तब तक हृदय के अंदर कष्ट होना चाहिए, मैं जा नहीं पाया, मेरे से क्या हो गया होगा, मेरे से कोई किया नहीं होगा, भगवान लेट हो गया होगा, ये दिस पेन शुड बी देयर, देन क्वालिटी विल कम। और ये पेन ही नहीं है तो क्या जीवन है, वृथा जीवन है। और यही हमें बचा कर रखेंगे, बड़े बड़े फेस्टिवल्स नहीं बचाएंगे, फेस्टिवल्स सबको सेवा में लगाने के लिए, कितने लोगों को प्रचार किया नहीं लगेंगे, प्रचार करने के बाद ये भाव जागृत नहीं हो रहा तो नहीं लगेंगे, कितना डोनेशन लाया, कितना आप क्लीनिंग किया नहीं लगेगा, अगर इमोशन डेवलप नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम। दिस इमोशन हैज टू बी डेवलप इन दिस वेरी लाइफ, और ये संभव होगा जब हम आतुर रहेंगे हमारे गुरु कृष्ण का स्पिरिचुअल अथॉरिटीज का आदेश। यही प्रभुपाद का डिसाइपल्स एंड डाउन द लाइन अदर डिवोटीज के डिफरेंस, प्रभुपाद बोले और हो गया, डिसाइपल केवल इंतजार करते थे इंस्ट्रक्शंस क्या देंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कब आएगा, वो भी सेकंड कैटेगरी डिवोटी। फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन है, जो बोलने से पहले समझ जाए, दैट कैन हैपन इन स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सेकंड क्लास डिवोटी क्या है, जो बोलने के बाद एटलीस्ट इतना कर ले, थर्ड क्लास जोड़ क्या है, बोलने की बात नहीं करेंगे, या करेंगे तो भी बार बार बोलने की बात नहीं करेंगे, ये स्थिति है।
तो हम लोग सब थर्ड क्लास स्टेट कैटेगरी में, कोई थोड़े बहुत बेटर है कोई कम है, लेकिन ये इमोशन जागृत होना चाहिए, पेन तो होना चाहिए, आउट ऑफ ड्यूटी भी होता है हमारा, आज ऑफिस नहीं गया, काम नहीं होगा, बॉस क्या बोलेगा, जो भी है, इस तरह का भाव भगवान के सेवा में होना चाहिए, एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ भय, देन ड्यूटी, देन लव विल कम। इनफैक्ट प्रभुपाद जी के केस में एक अभी सुन रहा था मैं कि एक माता जी थी, इनकी दीक्षा भी हो गई थी, और फिर प्रभुपाद जी ने जब उनके उनसे कृष्ण के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कृष्ण को तो मैं नहीं जानती, तो मैं तो सिर्फ आपको ही जानती हूँ, मतलब तो इतना ऐसे इतना डेडिकेशन था, विश्वास दास्य भाव, सॉरी वही बोलने वाला शांत भाव में क्या होगा, कृष्ण परम पुरुष भगवान है, इनको सेवा करना हमारा कर्तव्य, बस कृष्ण परम पुरुष भगवान है, यही पर ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही बस इतना ज्ञान है फिक्स्ड। दास्य रस क्या है, कृष्ण परम पुरुष भगवान है, हम इनको सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, नॉट कर्तव्य, सेवा करेंगे, सेवा से खुश रहेंगे, उसमें ऑल रेवरेंस रहेगा, है कि नहीं, सेवा भाव में ये समझते हुए कृष्ण परम पुरुष भगवान है करके इस भाव में फिक्स्ड अप हो गए, निष्ठा के साथ सेवा करने के लिए आएगा, और उसके सुपीरियर भाव क्या है उसके डिटेल पढ़ेंगे, चतुर्मा प्रभु कैसे बोल रहे हैं इसको, चतुर्मा प्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रभु गोस्वामी ने उसके बाद कहते हैं कि मैं समराइज करके बता दिया तुम बताओ, तो उसके बाद उसी के बेसिस से चतुर्मा प्रभु प्रभु गोस्वामी भक्ति रसामृत में लिखेंगे, बहुत 200-300 श्लोक, 250 श्लोक के अंदर बोल दिया महाप्रभु, वो भी बंगाली प्यार में, और उसके बाद कह रहे कि मैं समरी करके बता दिया, और जब डिस्कशन खत्म हो जाएगा रघु ने बोला कि महाप्रभु आपके आपसे सेपरेशन होने के लिए मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं नहीं दे जा सकता, प्रभु महाप्रभु क्या बोल रहे, अभी मैंने सब कुछ सेवा भाव सिखाया, मेरा इंस्ट्रक्शन तुम्हारे लिए सेवा है, मैं नहीं हूँ, मैंने कहा आपको मैं और मेरे इंस्ट्रक्शन से अंतर नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगा वाराणसी, तुम जाओ अभी पास में आ चुके हो काशी से, तुम जाओ वृंदावन, महाप्रभु का आदेश का पालन करते हुए, यदि हृदय में कष्ट हो रहा था फिर भी इसी भाव में ही गोपियां थे, इसी भाव में यशोदा मई थी जब कृष्ण चले गए, चाहते थे तो 10 बार जाके चल के आ जाते ना मथुरा, है कि नहीं, लेकिन इंतजार कर रहे थे कृष्ण आएंगे करके, विश्वास था, ठीक है, तो ये भाव जागृत करना चाहिए, ये सारे हमारा जीवन का ध्येय है, बाकी फेस्टिवल साड़ंबर ये सारे तो होता है, ये सबका पर्पस ये इमोशन को डेवलप करने, तब जाके हृदय में आनंद आएगा, फुलित रहेंगे, कहते हैं इस काम में इतने सारे करते हैं, लेकिन इस काम का कोर लक्ष्य है हर कोई भक्त इस तरह का प्रमोशन जागृत करे, इसलिए रिपीटेडली ये सारे करने के बावजूद इसके लिए स्पेशल समझे आज बैठ कर हम चर्चा कर रहे हैं, इमोशंस डीप रूटेड होगा अंदर जाएगा, इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव समय निकालना चाहिए। प्रभु जी सुंदरवाल प्रभु जी एक बार मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो उसमें ये कह रहे थे कि हम सुनते तो हैं लेकिन उसके ऊपर ना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, मतलब हमने क्या सुना है वो होगा भी नहीं कभी, इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी क्लास करना चाहिए बैठ के, आज इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, इसलिए बार बार पूछते हैं कभी, ठीक है मैं मेरा रियलाइजेशन बता रहा हूँ आप अपना रियलाइजेशन बताइए, मुझे ये समझ में आ रहे हैं आपको क्या समझ में आ रहे हैं, क्या मैं ऐसा कभी इमोशन जागृत करने के लिए प्रयास किया, करने के बाद कुछ टेस्ट मिला क्या, एग्जाम्पल दिया है प्रभु जो डांट रहे थे क्या लग रहा था, फेस्टिवल कर रहे हैं सब रेस्पेक्ट कर रहे डांट रहे, अब ऐसे डांट रहे कुछ कुछ मिनट तक डांटते जा रहे जो आसपास भक्त है अपने आप चले गए, इसमें पूरी एक रियलाइजेशन शेयर करते पूरी दामोदर लीला प्रोजेक्ट में मैंने इतनी डांटे खाई है, मतलब 10-10 लोग मतलब 10-10 भक्तों के सामने मतलब इस तरीके से, और इतना बुरा लगता था मतलब कि मैं बोल नहीं पाता था फिर, और बाद में ऐसे लगा जब कुछ एक और सर्कमस्टांसेस मेरे सामने आए ना कि भाई जब मेरे को हाइपर हो जाना चाहिए था तो मैं शांत रहा, मैं सोच गया मैं समझ पाया कि उस समय वो जो एक ट्रेनिंग का पार्ट था जो उन्होंने मतलब करा, साधु का डांटना मैक्सिमम अफेक्शन है, क्यों डांटेंगे उनको क्या मतलब,
आप करो ना करो क्या जाता है, तो किसी और की तरफ कर लेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपको निजी व्यक्ति समझता है, इसलिए उनको कष्ट होता है, तो कष्ट होता है तो डांटेगा ना, मारपीट तो करेगा। माए अपना बच्चे को अपना समझता है इसलिए डांटते हैं पीटते हैं, उनका और कोई अल्टरनेटिव मोटिव नहीं है। जैसे क्या नाम है, जीव स्वयं का तीन डिसाइपल्स श्रीनिवासाचार्य श्यामानंद, श्यामानंद प्रभु बचपन से दुखी कृष्ण थे इनका नाम, उसके बाद श्यामानंद बने, नाम बदल दिए, तिलक बदल दिए करके इनके स्पिरिचुअल मास्टर को पता लगा कौन है हृदय चैतन्य, बंगाल से क्रोधित होकर आ गए, आए पीटे इतना जोर से पीट रहे हैं। श्रीमती राधा ने इनका डायरेक्ट कृपा पात्र होते हैं, जिन डिसाइपल के वजह से गुरु कृतार्थ हो जाते हैं, और इनको पीट रहे डांट रहे तुम रास्कल हो ऐसे कर दिया गुरुद्रोही हो, सारे गुरु का शिष्य का रिलेशनशिप को फ्यूचर में इस्टेब्लिश कर रहे, उसके बाद जीव उसे में आके इंटरमीडिएट करी कि नहीं ऐसा नहीं है, क्लैरिफिकेशन वाली बात कही, गिर गुरु शिष्य के चरण में गिर पड़ते, ये भाव तो जब इसको निजी व्यक्ति समझते से, और राक्षस भी क्यों ना हो, जैसे कि हमारे विभीषण, उनको पता है गाली गाड़ी पड़ेगा फिर भी रावण तो बोल रहे नहीं नहीं सीता को लाकर तो आपने ठीक नहीं किया, नहीं भैया ठीक है जो भी हो गया हो गया, सीता सबसे बड़ा पॉइजन है इसको पहले लो, अब फिर याद दिला रहे आप भूल गए ब्रह्मा जी का बातें बोल रहे, लेकिन आश्रित प्रवृत्ति व्यक्ति उस समय समझ नहीं आता है। उसके बाद कुंभकर्ण ने बोला है, अंगद इंस्ट्रक्शन दे कर गया, हनुमान बोल कर गए, किसी का नहीं था, उनके पिता क्या है ससुर जी नाना जी सॉरी नाना जी इतने बार कहा, तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है, जब किसी का सुनना नहीं चाहते हैं उसके लिए आसुरिक प्रवृत्ति, तो सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति इसको कहते हैं, जो कृष्ण का सेवा के लिए प्रेम जागृत करते हैं, इमोशन सॉफ्ट इमोशन डेवलप, इसी को ही प्रेम बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास मोस्ट फेवरेट है, मैं दाखिल याद कर रहा था कार्तिक में चार चार बार जाके वृंदावन आ जाते इस बार, तो क्या होगा जब ऐसे इमोशंस कभी जागृत किए होंगे ना, जीवन में जब सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा जब सारे भक्त शत्रु जिसका दिखेंगे सबसे अलग हो जाएंगे, ऐसा होता है कभी कुछ छुट्टी आता है उस समय याद आएगा, उस दिन हम गोवर्धन की तलहटी में बैठकर जो करते हैं, सो दोस डेज वी कुड इंकल्केट रिकलेक्ट एंड इंकल्केट इंकल्केट द इमोशन, वो इमोशंस हमें फिर बाउंस बैक कराएंगे, नहीं तो चले जाएंगे, क्या है डिवोटीज परेशान करते सब बदमाशी कोई करते नहीं, मैं ये भाव आता है कभी, ऐसे ऐसे इमोशंस थोड़े बहुत भी टच किए होंगे ना, जब लो फील करेंगे उस समय बच जाएंगे, लेकिन उस समय गुरु पर्सनली नहीं आएंगे, गुरु का ऐसा इंस्ट्रक्शन गुरु आपको लेकर गया तो काम आ रहे ना, है ना, ऑलवेज गुरु बैठ के नहीं बोलेंगे, जैसे मेरे को कौन से गुरु बोल रहे हैं, वो भी साधक जैसा भूमिका निभा रहे, दूध को कौन बोल रहा है, उनको ऑलरेडी सिखाया गया है, लोग फील करेंगे करेंगे जो प्रीवियस इमोशंस सॉफ्ट इमोशन भी याद आएगा, कितना बढ़िया दिन था, जैसे आप लोग का बचपन याद आता है राइट, बचपन बिकॉज दैट इमोशंस टच द हार्ट इसलिए याद आता है, और इसके बाद से हम टिक जाते हैं, जिसका बचपन सॉफ्टली कटा है, जिनका माँ का ममता से जॉइंट फैमिली से बहुत सारे माँ का स्नेह मिलते हुए काटा है, तो सुसाइड नहीं करेगा, गलत डायरेक्शन में जाएगा नहीं, क्योंकि इमोशन मजबूत है, वीक इमोशन नहीं है, ठीक है ना, ये कारण है, इसलिए हम कहते थे हमारा एक सत्था अभी भी है कांग्रेगेशन में, जितने सारे बच्चे हैं सारे माँ उनको प्रेम दे,
इन टर्म्स ऑफ व्हाट एवर फॉर्मिंग की डांटे प्रेम करे व्हाट एवर सिम्टम्स सारे माँ एक सारे बच्चों को प्रेम करे एक बच्चा का मत इस्तेमाल क्या आपको मिलेगा माए बाप सब मिले दिस इज द रियल जॉइंट तब वो बच्चा मजबूत होते नेक्स्ट जनरेशन हमारा मजबूत होगी समटाइम्स इट वर्क समटाइम्स बेस्ट है